Class 7th NCERT Chapter 17 Question Number 3. What are decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? देखो पहली चीज़ decomposers क्या होते हैं, नाम से क्या लग रहा है आपको, जो decompose करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, decomposers वही होते हैं जो decompose करते हैं। Actually the microorganisms which convert dead plants and animals into humus, are called as decomposers। ठीक है, अगर आपको आपने कभी जैसे छोटे होते हैं मिट्टी वगैरह में देखा हो, खेले हो, तो क्या होता है ना, छोटे छोटे गोल गोल से कुछ लेके जा रहे होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया, गोल गोल से छोटे छोटे ऐसे चल रहे होते हैं, तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उसको डिकम्पोज करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको गालते हैं, खत्म कर देते हैं। अब वो होता क्या है कि जो ये डिकम्पोज करते हैं इसको ये ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ह्यूमस एक ऐसी चीज होती है जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए फायदेमंद होती है। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ना, सॉरी, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके लिए फायदेमंद होती है। जो भी ये प्लांट्स होते हैं इनके लिए फायदेमंद होती है ये चीज। तो अब इस ह्यूमस में क्या होता है कि जो सोयल होती है इसको हम, इस ह्यूमस के कारण हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो कैन आई से, ही सेज ओके, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम। हम क्या बोल सकते हैं, एक तो बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, और व्हाट डू दे डू, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सोयल को, ये जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं, इनको डिकम्पोज करने के बाद इसको ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है,